सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ विंटर सूट की स्टिचिंग। लास्ट टाइम जो सूट मैंने आपको कटिंग बताई थी कि किस हिसाब से कटिंग होगी उसकी स्टेप बाय स्टेप, आज मैं उसी की आपको सिखाऊंगा स्टिचिंग। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, साथ ही अगर आप हमारे अमीना बुटीक चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे अमीना बुटीक चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे आपको हर वीडियो की और लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये कमीज कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम इसे खोलेंगे। खोलने के बाद ये हमारी बाजू है, ठीक है, हम इस बाजू को अलग रख देते हैं। हम अपना फ्रंट लेंगे और बैक जो हमारी है, हम इस बैक को हटाएंगे। हम अपने फ्रंट लेने के बाद जो हमने निशान लगाए थे साइज के अपनी वीडियो में, चाहे कोई भी कमीज होगी, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आप एक चौक लेंगे और इस पर देखिए इस हिसाब से उंगली रखें, जहाँ पर आपको इस हिसाब से पकड़ो, दूसरी तरफ करने के बाद आपको एक निशान लगाना है। इस हिसाब से थोड़ी थोड़ी दूर पर निशान लगा लें। जब आप निशान लगा लेंगे तो आपको दूसरी तरफ से मैं दिखाता हूँ, ये निशान इस हिसाब से दिखेंगे। फिर आप इसको हल्का हल्का, अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको ऐसे करके निशान उठा लें। जब आपका ये निशान उठ जाएगा तो आप इसको ऐसे करके खोलेंगे। अगर आपका बुकरम वाला गला नहीं है, पेपर पेस्टिंग वाला गला है, तो आप इसे खोलेंगे, हमेशा ध्यान रखें। यहाँ से हम अपने गले का डीप लेंगे जो कि हमारा है 8 इंच, और कॉलर वाली कमीज है तो हम फ्रंट गला सिर्फ बनाएंगे। तो हम यहाँ से गला नापेंगे, 8 है तो हम यहाँ से 8.5 पे निशान लगा लेंगे। ये हमने लगा रखा है गला कटिंग करते वक्त, जो हमने सूट कटिंग करा था उससे पहले हमने निशान लगा के काटा था। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ आप देखेंगे उल्टी तरफ से हमारे ये प्रिंट साफ नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा करके पहले हम गले की सेफ में इसको पूरी सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारी दूसरी तरफ सिलाई इसकी नज़र आए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसको सिलाई लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं पास से दिखाना चाहता हूँ ये सिलाई लगाने का। देखिए आप, पूरी गले की जो सेफ है हमारी, इस हिसाब से ये आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, कभी भी हम ध्यान रखें, अगर इस कपड़े में, एक तो हमारे पास कपड़ा नहीं बचता, तो हमें जो देखेंगे हम सूट का कलर कैसा है, उस तरीके का एक कपड़ा हमें प्लेन देखना होता है, और उस कपड़े में हमें पेपर पेस्टिंग हम चिपका लेंगे। ये देखिए, इसका मैरून है तो हमने मैरून लिया है और हमने इसमें पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी गला आप बनाएं पेपर पेस्टिंग से, तो आप इसको सबसे पहले इस हिसाब से रख लें, एक बराबर निकाल लें या इसकी सेंटर क्रीज बना लें, फिर आप इसको एक सिलाई से पहले गले तक जमा लें। जब आप इसमें एक ये सिलाई लगा लेंगे और ये आपका जब जम जाएगा, फिर आपको जो आपने सिलाई लगाई थी, आप उसी सिलाई पर पूरी सिलाई लगा लें गले की। तो देखिए दोस्तों, हमने ये कर लिया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको इस हिसाब से सीधी तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि उस तरफ से आपको सिलाई नज़र नहीं आएगी। जो हमारी सिलाई है, इसे आप एक पैर से कटिंग कर लें। जब आप इसको एक पैर से सिलाई के बराबर से कटिंग कर लेंगे, फिर गोलाई में और जहाँ पर कुटके की हमें ज़रूरत है वहाँ पर हम इसे कट करेंगे। तो दोस्तों, जब आप इसे कटिंग कर लेंगे, फिर आप इसको देखिए पेपर पेस्टिंग को इस हिसाब से उठाएं और इसे कटिंग करेंगे जितनी आपको ज़रूरत होगी, और हमें यहाँ से एक शेप देनी है, जैसे हम बुकरम को गले काटने के बाद एक शेप देते हैं ना, बिल्कुल हमें वैसी एक शेप देनी है, एक बराबर। और आपको ये ध्यान रखना है कि कपड़ा आपका नहीं कटे, इसलिए आप एक हाथ से ये पकड़े रहें, जिससे आपको पता रहे कि आपका नीचे कपड़ा ना हो, पता चले आप कपड़ा काट दें तो दिक्कत हो जाएगी। आपने पेपर पेस्टिंग काट ली, अब आपका सबसे पहला जो काम है, देखिए आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे कि ये आपका एक बराबर कट गया हो। जब आपका ये एक बराबर कट जाए तो आपको इसको क्या करना, आगे मैं बताता हूँ। आप इसको इस हिसाब से पहले ऐसे रखेंगे और इसे सिलाई करेंगे, तो जितना मैंने ये पलटा है ना,
आप इसी हिसाब से इतना इतना पलटते हुए पूरे गले को स्टिच कर लें। जब आप इसे सिलाई लगा लेंगे फिर आपका यहाँ पे जो नोक वाला हिस्सा है आप इसको इस हिसाब से सिलाई के बराबर से ऐसे करेंगे और इसको बाहर की तरफ पलटेंगे। इससे क्या होता है कि एक बराबर में देखिए आप नोक बन के आ गई, फिर आप इसे कैंची की मदद से भी इस हिसाब से कर लें तो एक बेहतरीन और अच्छी नोक निकल के आ जाएगी। किस हिसाब से करेंगे आपको मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ। पहले वाला हिस्सा इसको ऐसे मोड़ेंगे सिलाई के बराबर से, इस वाले को ऐसे मोड़ेंगे और इसे अंदर की तरफ करेंगे तो ये देखिए आपकी नोक निकल आई। ये सिर्फ कपड़े पेपर पेस्टिंग वाले में ही इस हिसाब से आपको करना है और पूरी गोलाई में फिर आपको क्या करना है, जो आपकी गोलाई होगी वो आपकी सही नहीं बैठेगी तो आप इसको ऐसे करके एक नाखून लगा लें पहले गले में, जिससे कि आपको सिलाई मारने में आसानी रहेगी। अब आप इसके गले के ऊपर पूरे पे एक सिलाई लगा लें किनारे पे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि कितना प्यारा ये गला बन चुका है। तो कोई भी गला आप अगर बनाएंगे पेपर पेस्टिंग का तो आप इस हिसाब से बनाएं जैसे मैंने आपको बताया, तो आप बहुत ही प्यारा गला बना सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आप अपना फ्रंट वाला हिस्सा अपने पास रखें और बैक वाले हिस्से को बिछाएँ। बैक वाला हिस्सा नीचे होगा, फिर फ्रंट वाला हिस्सा आप इसको इस हिसाब से लेके आएंगे क्योंकि हमारी कॉलर वाली कमीज है। फिर हम इसके कंधी को जो जोड़ेंगे तो आप इसको यहाँ से देखिए बराबर कर लें और इस पर सिलाई कर लगा लें आधा इंच के हिसाब से और इसे जोड़ दें। बिल्कुल सीधी सिलाई लेके आएँ, कुछ पक्का नहीं करना है यहाँ पर, हमें सिर्फ सीधी सिलाई से पहले हमें जोड़ना है। इसको भी हम सेम जोड़ देंगे। अब जो दोस्तों हम सिलाई लगाएंगे इसमें हम यहाँ पर और यहाँ पर पक्का करके चलेंगे, सेम हमें वहाँ भी करना होगा तो हम इसे पक्का करके अब इसे स्टिच करेंगे। तो दोस्तों जब आपकी ये सिलाई लग जाएगी फिर आपको क्या करना है, आप इसको इस हिसाब से पकड़ेंगे और इस हिसाब से पकड़ने के बाद आप इसको यहाँ से जो आपने निशान लगाया था उस निशान पे आप इसे स्टिच करें। दोस्तों अब इसी हिसाब से हम एक पैर की इसमें एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों जब आप ये सिलाई लगा लेंगे तो आपको क्या करना है, आप दूसरी साइड वाली हिस्से को इस हिसाब से पहले मिलाएंगे ऊपर से, क्योंकि ये कपड़ा बढ़ता रहता है इसलिए आप इसको आराम से इसको कपड़े को बराबर से रखते जाएं कि एक बराबर ही बैठ जाए। फिर कुटका जो हमने लगा रखा है उनसे मिलाने के बाद हम इसको भी जैसे हमने वहाँ जोड़ा था सेम इसको भी सिलाई निशान पर स्टिच करेंगे। फिर इसको भी हम एक पैर की एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे लूज टाइट के लिए। जब दोस्तों आप ये लगा लेंगे फिर आपको क्या करना होगा, इस साइड से जो हमारा निशान लगाएं, हम इसने नीचे जो चाक के फोल्ड के लिए निशान लगाए आप इसको चाक को इस हिसाब से पकड़ेंगे और जो आपका ये वाला हिस्सा है आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो जितना आपका ये मार्जिन होगा ये पलटने का बहुत ही अच्छा स्टाइल है और आपको आसानी भी होगी। तो आप ऐसे देखेंगे तो ये देखिए एक बराबर ये लय बन के आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको यहीं से ही सिर्फ इसको ऐसे करके इसे स्टिच करना है। तो हम इससे सिलाई वाली बनाएंगे क्योंकि कई लोग तुरपाई वाली भी बनाते हैं, मैं इसको सिलाई वाली बनाता हूँ। मैं ये राय दूंगा आपको कि आप इसे हमेशा सिलाई वाली ही बनाएं, ये आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी। फिर इसे हम एक सिलाई से इसे स्टिच करेंगे। तो किस हिसाब से स्टिच करेंगे आप आराम आराम से देखते रहें इसको, इस हिसाब से आपको देखिए जितना आपको फोल्ड करना है आप इसको इस हिसाब से लेके ऐसे फोल्ड करें, कहीं भी कुछ नहीं खींचना, फिर आप इस पर सिलाई लगाएं। फिर इसको भी इस हिसाब से फोल्ड करें, फिर इस पर भी सिलाई लगाएं। आप देखेंगे कि एंड में चाक आपका बहुत आसानी से मुड़ जाएगा। आप इसको भी ऐसे फोल्ड करें अंदर और सिलाई लगाएं। एक बराबर आपको फोल्ड करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें और इसे इस हिसाब से फोल्ड करके सिलाई लगाते चलें। इसको इस हिसाब से फुल फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ वाला जो हिस्सा होगा आप इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। आप यहाँ का हिसाब देखें, आपका जो मोल्डिंग का हिस्सा होगा वो इस हिसाब से होगा। कई लोग क्या करते हैं,
कई लोग इसको ऐसे ले जाते हैं, आप देख रहे हैं ये गलत है, यानी कि यहाँ का मार्जिन इतना और नीचे का इतना, तो ये आपका चाक नहीं बैठेगा। या कई लोग इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो लेके जाना है वो ऐसे लेके जाना है इस हिसाब से, यानी कि ये बराबर होगा तो नीचे वाला हिस्सा जो आपने अगर कटिंग ओके करी है तो ये आपका नीचे का इतना हिस्सा होगा। फिर आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें और इस पर सिलाई लगाएं, और जैसे हमने उधर हमने फोल्ड करा था आप इसको हल्का हल्का एक बराबर मोड़ें, कुछ नहीं खींचना और सिलाई लगाते चले आएँ। इसको भी ऐसी पकड़ें, अंदर करें और सिलाई लगाएं, इसको भी अंदर की तरफ ऐसे करें और सिलाई लगाएं। इधर देखिए, इधर कट पे आ गए, कट पे भी आप इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। फिर आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, देखेंगे बिल्कुल भी आपका ये नहीं बढ़ा और ये आपका कितना फिनिशिंग में पलट गया। फिर आप इसको हल्का फुल्का जो भी होगा इसे छांट देंगे, तो ये आपका इस हिसाब से दोनों चाक पलट गए। और इसमें सिर्फ सिंगल सिलाई लगती है, आपको डबल सिलाई नहीं लगानी। इस जैसे हमने ये वाला पलटा है बिल्कुल सेम हम दूसरी तरह वाला भी पलटेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा कि घेरा किस हिसाब से पलटा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हमने दोनों तरफ के चाकों को पलटने के बाद एक लेवल में कर लिया है। अब नीचे का हिस्सा, तो दोस्तों नीचे का हिस्से को हम इस हिसाब से फोल्ड करेंगे चाक के बराबर, और फोल्ड करने के बाद इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। और ये वाला आपका ध्यान रखें, इसको आप जब ऐसे करेंगे अंदर की तरफ और जब सिलाई लगाएंगे तो पीछे की तरफ जो है ये देखिए बूट के पीछे उंगली ऐसे रख लेंगे, क्योंकि ये आपका फलके का कपड़ा, इसलिए आपका इस हिसाब से सिलाई लगाना है। और छोड़ते चले आए, एंड में भी आने के बाद सिर्फ आपको उतना ही मार्जिन पलट के इस पर सिलाई लगानी है। तो आप देखेंगे, ये देखिए आपका बिल्कुल भी ये नहीं फलका, वरना किसी किसी का क्या होता है, ये आपका इतना हिस्सा आपका यहाँ तक बढ़ जाता है, यानी कि ये वाला नीचे वाला हिस्सा फलक जाता है। फिर आपको जो एंड वाला घेरा जो होगा वो आपको कैसे पलटना है ये देखिए, चाक को आप ऐसे करके पकड़ के नापेंगे, यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे चौक से, ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी निशान लगा लें। दोस्तों निशान लगाने के बाद आप इसको बिल्कुल सेम वैसे ही पलट दें जैसे कि हमने पहले वाला घेरा पलटा। तो दोस्तों घेरा पलटने के बाद हमारी बाजू का काम रह गया, तो हम इसको इस हिसाब से खोलेंगे और बाजू को भी हम वैसे ही सिलाई लगाएंगे जैसे कि हमने घेरे में लगाई थी, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी आपका आड़ा है। तो आप इसको ऐसे करके इतना फोल्ड करें जितना आपने मार्जिन दिया है बाजू में, फिर आप इस पर सिलाई लगाएं, और पलटने का स्टाइल बिल्कुल वही होगा जैसे आपने घेरे में पलटा था, ऐसे रखने का पीछे उंगली लगाएंगे। इस हिसाब से आप अपनी बाजू बनाएं, फिर आप इसको ऐसे फोल्ड करें डबल, और जो आपका नाप होगा मोरी का वो नापने के बाद आप इसको जोड़ देंगे। जैसे हमने सेम बाजू को इससे जोड़ा है वैसे सेम हम दूसरी वाली बाजू को भी जोड़ेंगे, लेकिन मोरी को नापने का तरीका आपका ये होगा कि आप मोरी को ऐसे पकड़ें और यहाँ पे जो आपकी सिलाई वाला हिस्सा है इस सिलाई वाले हिस्से को ऐसे करके नापेंगे और जहाँ पर आएगा वहाँ पर एक चौक से निशान लगा लें, फिर आप इसको इस हिसाब से बनाएं। फिर आप इसे इस हिसाब से सीधा करेंगे दोनों बाजुओं को, और जिस हाथ की बाजू होगी हम उस वाले हाथ में इसको चढ़ाएंगे। चढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप कभी भी कोई बाजू चढ़ाएं तो आप इसका सेंटर नापेंगे, आप इसको इस हिसाब से पकड़ें, फिर इस हिसाब से पकड़ें, और ये आपका यहाँ पर आएगा कुट का फ्रंट वाले हिस्से में, क्योंकि आपका फ्रंट में गड्ढा कटा हुआ होता है ये वाला, जिसे हम आर्मोल कहते हैं, आर्मोल वाला जो हमारा कट कटा होगा तो हमारा ये हमेशा फ्रंट वाले हिस्से में ही आएगा। तो हम इसको पहले चढ़ाने से पहले आप इसको इस हिसाब से नापेंगे, तो ये देखिए सिलाई से हम ये नाप रहे हैं तो ये बिल्कुल ओके आ रहा है, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे,
इसको इस हिसाब से पकड़ने के बाद सीधी तरफ से हम इसको ऐसे लेंगे, बाजू की सिलाई को कुटके से मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम हल्की सी सिलाई से पहले इसे बाजू को अटैच करेंगे। फिर हम इसे ऐसे करने के बाद बराबर करेंगे कपड़े को। ये वाला जो हिस्सा होगा कपड़ा, ये हमेशा बैक साइड में जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आप जब ये सिलाई अंदर कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो बाजू का जो कट है ना, वो आपको कमीज के सेंटर वाले कट पे जो आपका सिलाई का निशान है उसको ऐसे मिलाना है। फिर आप पूरे कपड़े को एक बराबर कर दें, इस हिसाब से एक बराबर करने के बाद आप इस पर सिलाई लगा लें एक बराबर से। देखेंगे आप, अब ऐसे सिलाई लगा के आएंगे तो आप कट पे ऐसे रखें और कट के बाद आप इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे जिससे कि कंधी में खिंचाव ना आए। जब आप इस पर एक सिलाई लगा लेंगे तो दूसरी सिलाई से भी इस बाजू को पक्का कर लें। तो दोस्तों, जैसे आपने ये वाली बाजू चढ़ाई, आप देखिए पहले तो फिनिशिंग आप देखेंगे बिल्कुल एक बराबर से बाजू चढ़ जाती है और इस तरीके से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जब जो आप ये फोल्ड करते हैं, कभी कभी कोई बनाता है उसको कंधी को बराबर ले लेता है, जिसकी वजह से ही देखिए कंधी में नीचे की तरफ जो झोल पड़ने लगता है, और लेकिन इस हिसाब से फोल्ड करने के बाद कंधी फ्री रहती है और झोल नहीं पड़ता। तो आप हमेशा बाजू चढ़ाते हो कंधी का इस चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे। अब दोस्तों, जैसे हमने ये बाजू चढ़ाई है, सेम हम दूसरी वाली बाजू को भी चढ़ाएंगे और ये जितनी भी कंधी और बाजू का आर्म होल है इन सबको ओवरलॉक कर लेंगे हम। तो दोस्तों, अब हम इसका बनाएंगे कॉलर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बुकरम या बेल्ट रोल ले लें, उसको इस हिसाब से डबल करें और इसमें कच्चा कर लें सिलाई से। जब आप कच्चा कर लेंगे तो आप इसको हल्का हल्का छांट लें, क्योंकि हम कॉलर ज़्यादा चौड़ा नहीं लगाते, एक इंच का कम से कम कॉलर चौड़ाई होनी चाहिए। जब इसे कट कर लेंगे तो आप इसको यहाँ से नापेंगे, जो वो आप नापेंगे 12 इंच या 12.5 इंच का आप कॉलर लेंगे। तो यहाँ पे निशान लगा लिया आपने डबल में 6 इंच का, फिर यहाँ से हम कॉलर की शेप में गोलाई दे देंगे। ठीक है, ये शेप में गोलाई होने के बाद हम इसे इस हिसाब से पकड़ने के बाद खींचेंगे तो ये आपका कॉलर की शेप हो गई। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर आप बुकरम में कच्चा मारते हैं तो आप ऐसे ना खोलें, क्योंकि ये हमारी बेल्ट के रोल है, ये मजबूत होती है, बुकरम यहाँ से फट जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। फिर हम कपड़ा लेंगे, क्योंकि कपड़ा इसमें बहुत कम बचा था, फिर हम एक कपड़ा लेंगे इसका और इसको इस हिसाब से रखेंगे। रखने के बाद हम इसे ऊपर की तरफ में इस पर कच्चा लगाएंगे, उल्टी तरफ से हमें रखना है, फिर हम कच्चा लगाएंगे इसमें। फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ में बिल्कुल बारीक से इस पर एक तार पे इस पर सिलाई लगाएंगे पक्की। जब दोस्तों आप ये सिलाई लगा लेंगे, देखेंगे बिल्कुल एक तार पे सिलाई लगी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर हम नीचे भी एक कपड़ा लेंगे बिल्कुल प्लेन, क्योंकि मोटा कपड़ा लेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, पहले ही सूट हमारा बहुत मोटा है ये। फिर हम प्लेन कपड़ा लेके मैचिंग का उसको इस हिसाब से रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, और जो सिलाई हम मारेंगे वो बुकरम पे ना चढ़े, ठीक है, उसके बिल्कुल जड़ में बराबर में सिलाई हमें लगानी है। फिर आप इसको एक पैर का मार्जिन देके इसे कट कर लें। जब आप ये दोस्तों पूरे में लगा लेंगे और मार्जिन को काट कटिंग कर लेंगे, फिर आप इसको इस हिसाब से पलट दें, और पलटने के बाद आप इसके किनारे पे बिल्कुल इसको सिलाई लगा लें। दोस्तों, यहाँ पर लाने के बाद जो हमने एक सिलाई लगाई थी एक तार पे, वो आपको सिलाई यहाँ पे नज़र नहीं आ सकती। ये देखिए, मैं चौक का निशान लगा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को दिख रही है, लेकिन मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता इसको, क्योंकि काफ़ी गर्म कपड़े के अंदर ये सिलाई घुस जाती है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर बिल्कुल एक बराबर से सिलाई चला लें।
फिर इसको आप एक पैर के मार्जिन से कटिंग कर लेंगे पूरे कॉलर को। कटिंग करने के बाद दोस्तों आप इसको ओवरलॉक कर लें और पूरी कमीज को ओवरलॉक करके कंधी भी ओवरलॉक कर लें। तो दोस्तों आपको अब क्या करना होगा, आप इसको यहाँ से नापेंगे कि ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है 6 इंच, तो 6 का आधा 3 इंच, 6 का आधा 3 इंच, आप इसको 3 इंच पे निशान लगा लें चौक से, हमारा सेंटर वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कॉलर है, हम इस कॉलर को इस हिसाब से मिलाएंगे और यहाँ भी एक सेंटर में निशान लगा लेंगे। फिर हमें क्या करना है, कॉलर चढ़ाने के लिए आप देखेंगे इसको निशान को हम इस निशान से जो है ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद आप इसको इस हिसाब से रखें, ठीक है। फिर यहाँ से आप गले को ऐसे लें और बराबर से रखते हुए चले जाएँ, जब आपका जहाँ पर गला आएगा एंड कॉलर का, आप इसको यहाँ से उठा के इसे पक्का करके एक सिलाई लगा दें। तो दोस्तों कॉलर लगाने के लिए आपको क्या करना है, जब आप इसको यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे हल्की सी, फिर आप इसको यहाँ पे देखिए सिलाई है जो आपको नज़र नहीं आ रही, जो हमें एक पैर का मार्जिन दिया, आप इसको इस हिसाब से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। फिर आप इसको क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इसको जो सिलाई है, सिलाई से ये भी हमारी एक सिलाई आ रही है, ठीक है, जो आपको नज़र नहीं आएगी, 1/2 इंच के मार्जिन के हिसाब से आप इसको ऐसे रखें, सिलाई लगाएं। फिर आप इसको इस हिसाब से घुमा लेंगे और इसको भी बिल्कुल बराबर से सिलाई लगाएं। जब सेंटर में ये चौक मिला लें आप, फिर आप इसको ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। फिर इसको ऐसे घुमाएं और इसको भी ऐसे करके लाके सिलाई लगा दें और पक्का करके उतार दें। तो दोस्तों देखिए एक सिलाई से आपकी कच्ची लब वाला कॉलर जो है ये लग जाता है, ये गला बिल्कुल बैठा हुआ होता है, ठीक है, इसे हल्के हल्के प्रेस से बैठ जाएगा। और आप देखेंगे कि कॉलर वाली कमीज हमारी बन चुकी है, देखिए कितनी बढ़िया फिनिशिंग के साथ ये हमने आपको बनाना सिखाई है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।